किसान भाई नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं रियासत भाई के पास। अभी मौजूद हैं हम पशु मंडी डब वाली पे, जहाँ पे पशुओं की मंडी लगती है। सामने जो आप गायें देख पा रहे हो, ये गायें आज शाम को यहाँ से लोड होकर महाराष्ट्र जा रही है। क्या रेट की गायें हैं, कितनी दूध की गायें हैं जो रियासत भाई ने आर के डेयरी फार्म से महाराष्ट्र के लिए सेल करी है, उसके बारे में ये वीडियो रहेगा। और अगर आप इनसे HF गायें, जर्सी गायें खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे भाई साहब का नंबर आ रहा है, उस नंबर पे संपर्क करके आप इनसे अच्छी क्वालिटी की गायें सस्ते रेट पे खरीद सकते हो। क्या क्या रेट रहेगा वो हम आपको बता देंगे। ऑल इंडिया की आपको इनके यहाँ से डिलीवरी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा काम करते हैं, अच्छी गायें सेल करते हैं। और दूसरी बात, गायें सेल करना आसान है, हर कोई भाई गायें बेच सकता है। और बाद में किसानों का फ़ोन उठाएंगे, अगर कोई दिक्कत आ गई ना, आप इनको कॉल करो, गायें दूध कम दे रही है या गायें बीमार होगी, इनको कॉल करो कि हमारी गाय में ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका आपको सोल्यूशन बता देंगे। तो ऐसे आदमी हैं ये जो अच्छा काम करते हैं, आइए इनके साथ मुलाकात करवाते हैं और बाद में वीडियो के लास्ट में जो महाराष्ट्र से भाई हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। रियासत भाई नमस्कार। नमस्कार सर जी, क्या हाल है जी? बढ़िया सर जी, बढ़िया। काम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर, भगवान की दया से काम बहुत बढ़िया चल रहा है। महाराष्ट्र किधर जा रही है ये गाय? सर महाराष्ट्र शिरडी जा रही है। जी जी। और एवरेज रेट गाय का? एवरेज रेट सर 55 से लेके 75 तक। मिल्किंग एवरेज? मिल्किंग सर 20 से लेके 25 प्लस। ठीक है जी। किसानों के साथ लास्ट तक खड़े रहोगे जैसे मैंने पहले बोला? जी सर। सर हमारे फार्म का, मेरा खुद का ये रिकॉर्ड रहा है आज तक का, मैं 15 साल से इस धंधे में हूँ। जो भी कस्टमर मेरे साथ जुड़ा है, मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन है। और कोई भी आज तक आपके, कितने टाइम से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, और कोई भी ऐसा बैड कमेंट नहीं मिलेगा आर के डेयरी फार्म ने किसी तरह से हमारा। सर रात को आप 12 बजे भी कॉल करोगे, हम आप कस्टमर को कॉल उठाते हैं सर। जी। और दूध की पूरी फुल गारंटी रहेगी सर? सबसे बड़ी बात होती है भरोसे की, और कस्टमर जब हम जो भी बात बोलते हैं उस पर खरे उतरेंगे तो ही कस्टमर। एक बार मान लो हम कोई भी, जब भाई साहब हमारे पास माल लेने आए हैं, इनको 10 गाय दे दी, एक बार 10 गाय देने से हम कोई सेठ नहीं हो जाएंगे। धंधा तो वही होता है सर जो लंबा चलता है। तो बाकी की बातें चलती चलती वीडियो में करेंगे जी। हमें गायें चला कर दिखाओ, पहले नंबर पर कौन सी गायें चलाओगे? ये गाय कौन से ब्यांत में है जी? सर सेकंड ब्यांत है, 4 दांत गाय है। और गैबन है? अभी गैबन है सर, अभी 15 दिन कच्ची है सर, अभी 15 दिन। देखो अर्डर क्वालिटी देखो सर कितनी बढ़िया है। कितना दूध दे देगी गाय सर? दूध करेगी 26-27 लीटर। क्या रेट पे सेल करी सर? 72 की दी है। ठीक है। तो मंडी पे ये गाय क्यों रख रखी है? आज तो मंडी लगी नहीं है, मंडी तो संडे को लगती है जी। सर इनको माल आए थे कल हमारे पास, ये भाई साहब कल आए थे, थोड़ा लेट आए थे, माल लेट हुआ। और सर वही बात आप पहले ही बोल चुके हो, माल देना या लेना बहुत कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। गाय हजार दो हजार इधर उधर हो सकती है, लेकिन यहाँ से शिरडी 1500-1600 किलोमीटर सर, वहाँ पे, यहाँ पर गाय जैसी यहाँ पे फिट है ऐसी ठीक ठीक गाय उतारना, ये बहुत बड़ी बात है सर। डिलीवरी देना 1500-1600 किलोमीटर पे, वो बात मैटर करती है। सो वो एक्सपीरियंस, इस पे एक्सपीरियंस काम करता है सर। तो मतलब लेट गाड़ी नहीं लोड करी कल संडे को? हाँ जी, ज्यादा लेट हुआ था और गाय सुबह उतरती उतरती लेट हो जाए, गाय परेशान, वो काम हम करते नहीं जी। तो चलाओ जी गाय को। तो किसान भाइयों, गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, ये गाय यहाँ से महाराष्ट्र जा रही है। ऐसी क्वालिटी की गायें खरीदने के लिए आप रियासत भाई के साथ संपर्क कर सकते हो। देखिए सर, गाय का चलन फरन 4 दांत गाय है, आर्डर क्वालिटी, आंचल क्वालिटी, गाय का बॉडी वेट, स्ट्रेट बैकबोन, लेग स्कोर, मिल्क वेन, सब प्रकार से गाय फिट है। और गाय का वजूद देखिए सर, वजूद होगा तो दूध होगा। आंचल क्वालिटी, आर्डर क्वालिटी और ब्रीड वजूद, ये सब मिल्किंग पे सर, मिल्क इसी पे डिपेंड होता है, ब्रीड पे डिपेंड होता है सर। ये गाय कौन से ब्यांत में जी? ये भी सेकंड ब्यांत गाय है सर, 4 दांत गाय है। चलाओ जी गाय को। ये कितना दूध देगी सर? ये दूध आराम से करेगी 25 लीटर। और कस्टमर का सर, कस्टमर हमारे पास ही है, इनकी डिमांड थी सर हमको 20 से लेकर 25-26 लीटर वाली गाय ही चाहिए। ये क्या रेट पे दी है इनको? ये सर 65 की दी है, 65,000। 65,000, 25 लीटर आराम से दूध करेगी, कस्टमर की डिमांड थी सर। और डिमांड के हिसाब से माल होता है सर। देखो कितनी शानदार बछड़ी है, आर्डर क्वालिटी, आंचल क्वालिटी, वजूद देखिए, वजन देखिए, बॉडी वेट,
बॉडी वेट बहुत बढ़िया है, हर प्रकार से फिट है गए सर, एकदम शानदार गाय है और कस्टमर भी सर खुश है एकदम से। और डिमांड के सर गाय हमारे पास 30+ 40+ भी गाय अवेलेबल रहती है, लेकिन डिमांड के हिसाब से होता है सर। जैसे ये कस्टमर आए, किसान आए सर हमारे शिरडी से, इन्होंने बोला हमको सर 20 से लेकर 25-26 लीटर वाला गाय ही चाहिए, ज़्यादा मिल्किंग वाला नहीं चाहिए, उनका कोई खुद का मैटर होगा सर। हमने तो उनको बोला था आप 30+ गाय रखो, ये भी उतना खाएगी वो भी उतना खाएगी, लेकिन उनको उन्होंने उनकी डिमांड थी सर हमको 25-26 लीटर वाला गाय ही चाहिए। जी गाय कौन से ब्यांत में जी? सर सेकंड ब्यांत अभी बच्चा देने वाली है गाय, अभी 10-15 दिन रोज इसके भी बाकी, 4 दांत गाय है सर। कितना दूध देगी गाय? सर दूध करेगी 25-26 किलो आराम से, 25-26 लीटर। क्या रेट पे भेजी है सर? A67 की दी है सर। ठीक है जी। सर देखो गाय कितनी बढ़िया बैठकदार, चमक लाइट, पतली चमड़ी, कागजी नींबू जैसी, गाय का फेस, वजन, ऑर्डर क्वालिटी, ऑर्डर देखिए एक बहुत ही बढ़िया गुब्बारे की तरह ऑर्डर, आंचल क्वालिटी, अलग अलग आंचल, और हर प्रकार से गाय बहुत शानदार बछड़ी है और कस्टमर भी खुश हैं बिल्कुल। उनकी डिमांड के हिसाब से उनको 25-26 लीटर वाला गाय ही चाहिए था और कस्टमर रेट के, और हमने उन्होंने हमारी वीडियो पे ही ये कस्टमर आए थे और कस्टमर बिल्कुल खुश है सर। और देखिए सर हमारा वीडियो डालने का मेन पर्पज यही रहता है, जो भी किसी भी स्टेट से कोई कस्टमर किसान भाई गाय लेना चाहता है, गाय पर्पज ये रहता है, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की इस रेट की, और सामने वाले कस्टमर को पता चल जाता है हमारे पास 24 घंटा 20-25 गाय अवेलेबल रहती है सर। जी गाय भी चला दो जी, चलाओ गाय को भाई साहब, बैकग्राउंड बता दो जी इस गाय का। बैकग्राउंड फर्स्ट में अंत में सर इसने 20 लीटर दूध दिया है, विद रिकॉर्ड दिया है। अभी दूसरे में है, दूसरा ब्यांत, 4 दांत है जी सर। देखो अभी दांत चेक करें, दांत चेक करा करा के गाय दी, हर प्रकार से हर कस्टमर को सेटिस्फाई किया है। अब दूध कितना देगी जी गाय? सर 22-23 लीटर खुला आराम से करेगी, घोड़े जैसी बछड़िया, 4 दांत है, देखो कैसे दौड़ रही है, नौकर को नौकर से संभलना मुश्किल है, वजनदार, जानदार, शानदार। रेट सर 58 में दिए, बहुत ही जेन्युइन रेट में दिए सर, और बहुत शानदार बछड़ी है, जानदार बछड़ी है, और आंचल क्वालिटी, ऑर्डर क्वालिटी, स्ट्रेट बैकबोन। और ये सर बताने का हमारा मतलब होता है ये ब्रीड, और ब्रीड जो दूध ब्रीड ने देना है, ज़्यादा वजूद से, ज़्यादा वजन से नहीं होता है सर, लेकिन जो ब्रीड दूध निकालती है, क्योंकि जो आदमी ब्रांड यूज़ करता है वही बता सकता है देसी और ब्रांड में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी हमारे इधर जंगल की सर ये पशु डब वाली मंडी, एशिया की सबसे गायों की मंडी है, यहाँ से हमारा 5 किलोमीटर फार्म दूर है, किसी भी किसान को कस्टमर को आना है तो डब वाली मंडी, डब वाली की टिकट बनाए और हमसे फोन नंबर है सर स्क्रीन पे, कनेक्ट करो, हमारा आदमी स्टेशन पे आपके आपको लेके जाएगा, रहने का, खाने का, पीने का, हमारा फार्म ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है, पूरा प्रबंध आपको, हर प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी। बाकी जो कस्टमर हमारे पास आए हैं सर वो आपको बोल के बताएंगे। देखिए सर कोई भी काम होता है, हर काम का समय या टाइम या मौसम बोल सकते हैं, मौसम होता है। जैसे किसी आप गेहूं की फसल लगाते हो वो ठंडी में लगाई जाती है, कॉटन की लगाते हो गर्मी में लगाई जाती है, ऐसे ही गाय का आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो, अभी दीपावली अभी निकली है थोड़े दिन पहले, तो सर्दी चालू हो गई है, पूरे भारत में सर्दी चालू हो गई है, गाय को एक जगह से लेके दूसरी जगह से लेके जाना बहुत आसान है, रास्ते में गाय को सर्दी के मौसम में लेके जाने के लिए कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, गाय बीमार नहीं होती। और अभी सर जो भी डेयरी फार्मिंग का धंधा कोई भी किसान करना चाहता है, बहुत बढ़िया मौसम है, अभी यहाँ से सर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गाय को। और सर्दी में सर धंधा चालू करने का एक और फायदा होता है, जैसे ब्रीड वाली गाय है उसको सर्दी थोड़ा अच्छा रहता है, दूध ज़्यादा देती है, बिजली का खर्चा नहीं पड़ता। और गाय सर रास्ते में किसी चाहे 1500-1600 किलोमीटर गाय जाना होता है सर, 3-4 बार स्टे हो जाता है, गाय किसी प्रकार से बीमार नहीं पड़ेगी। और जाते ही सबसे बड़ी बात होती है सर, एक जगह से जैसे पंजाब का मौसम अलग रहता है, महाराष्ट्र का अलग रहता है, हमारी यहाँ गाय हर स्टेट में मैं गाय दे चुका हूँ, किसी स्टेट में कोई बंदा हमसे कॉल करे हम उसी स्टेट के आदमी से उनसे बात करा सकते हैं। और कोई भी किसी भी किसान के कस्टमर के दिमाग में गलत फहमी है गाय यहाँ से जाके वहाँ सेट नहीं होगी, वो गलत फहमी निकाल दीजिएगा, हमारे यहाँ के जंगल की गाय किसी भी स्टेट में जाके आराम से सेट हो जाती है, हर स्टेट में हमने माल दिया हुआ है। और दूसरी बात सर, जो बात हम वीडियो में बोलते हैं अभी कस्टमर
कस्टमर को यहाँ पे सबसे पहले तो सर मैं कस्टमर हमारे पास फार्म में कस्टमर को बोलता हूँ एक दो दिन रुको, यहाँ कैसे गाय को देख रेख कैसे होती है और कैसे गाय को संभाला जाता है। और ज़्यादा सर बड़ी बात ऐसा डाइट गाय को ज़्यादा ठूस ठूस के खिलाने से दूध नहीं करती है, डाइट को बैलेंस करना पड़ता है, कितना कैल्शियम देना है, मिनरल मिक्सचर कितना देना है, क्या खिलाना है, कितनी पापड़ी खिलानी है, सब यहाँ पे सर हम किसी भी स्टेट के बंदे को डाइट चार्ट अच्छे से बना के देते हैं। और सबसे बड़ी बात सर यहाँ से गाय लेके चाहे वो कलकत्ता जाए, वो महाराष्ट्र जाए, MP जाए, गुजरात जाए, यहाँ से लेके घर तक की गाय पहुँचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, हमारा केयर टेकर भी साथ में जाता है। और हमारा वीडियो देखने के लिए, हमारा कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम योगेश भाऊ साहब जादव है। महाराष्ट्र से कहाँ से हो भाई? महाराष्ट्र से शनि शिंगणापुर शिरडी। जी गायें आपने खरीदी है जो पीछे खड़ी है, कितनी गायें खरीदी टोटल? हमने 10 गाय खरीदी है। रेट कैसा लगा गाय का? अच्छा है। महंगी तो नहीं लगी? नहीं महंगी नहीं है, हमने जो बोला रेट वही रेट में दिए है। और जितना ये 30-35 और किसी गाय का 25 लीटर दूध बोल रहे हैं, निकल जाएगा उनका? हाँ निकल जाएगा, 25-22-23 तो पक्का देंगी। ठीक है, और कोई गाय बीच में 30-30 वाली है वो 30 कर जाएगी? हाँ कम होता है, ज़्यादा होता है वो खाने पिलाने के हिसाब से अपनी। ठीक है, ऐसा होता है कि महाराष्ट्र में थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है गाय का। टेम्परेचर तो चलो ज़्यादा नहीं फ़र्क है, खान पान का डिफरेंस आ जाता है। 28-30 भी दे दे गाय बहुत बढ़िया है। अभी कैसे लंबा सफ़र है, थोड़ा थक जाती है गाय, 15-3 दिन लगते हैं सुधारने को गाय को। अच्छा 15 दिन लग जाएंगे? हाँ 15 दिन। और RK डेयरी फार्म का काम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हम आए थे 2 दिन इधर रुके, हमारे खाने पीने का बहुत भारी प्रबंध किया उन्होंने, अच्छा लगा। पैसे की ठगी तो नहीं करने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं ठगी, कोई हेरा फेरी? नहीं, हमने जो रेट बोला वो रेट में हमको मिला माल, अच्छा है। खुश हैं इनके काम से? बहुत खुश हैं हम। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद।